जाती है। हम कहना चाहते हैं माइक के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से अगला, ए से आदि आबादी और पी से पुअर, पुअर मतलब गरीब। तो ये सब ए टू जेड वाले लोग हैं। सभी बहुजन आ गए, सभी अगला लोग आ गए, आदि आबादी हमारी महिला आ गई और सभी पुअर हमारे गरीब आ गए। ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। तो हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग प्यार की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन भाजपा वाला लोग तोड़ना चाहता है। हम मुजफ्फरपुर के लोगों से जानना चाहिए, कई विधानसभा है कि फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता दो। लेकिन नीतीश जी पुराने ख्याल आपके हैं, कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच अब नहीं रहेंगे बिहार को आगे ले जाने के लिए। ना विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। खुशी कम से कम इस बात की है कि हमने जो लकीर खींची है नौकरी के लिए, आज देश में कोई भी नेता होगा, कोई भी सरकारें होंगी, अब वो नौकरी और रोजगार के बारे में बात करेगी, काम करना पड़ेगा। तो इतना आप लोग ताकत दिए और हम तो दो दो मुख्यमंत्री के बेटे रह चुके हैं। हम खुद दो बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको आपके लिए चाहिए, ताकि बिहार के लिए चाहिए, बिहार आगे बढ़े, आप लोग तरक्की करें, सबको अधिकार मिले, सबको मान सम्मान मिले, हम लोग सभी जाति वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करें, ये हम लोग चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने आपके लिए क्या किया, आप लोग कीजिए, क्या फर्क आया आपके जिंदगी में? देश भर में हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं। मुद्दे की बात होनी चाहिए, गरीबी खत्म करने की बात होनी चाहिए। बताइए मुजफ्फरपुर में मोदी जी ने कितना कारखाना लगा दिया, क्या पलायन रोक दिया? या पता मोदी जी कहते थे 2 करोड़ लोग